तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम करने वाले राइडिंग, मतलब राइड पे जा रहे हैं 100 किलोमीटर, ठीक है। और बहुत अमेजिंग राइड होने वाला है, ठीक है। तो हम किसके साथ राइड कर रहे हैं, हमें आपको क्लियरली बताता हूँ। तो हम जो है 3 जने, 3 बाइक हम 100 किलोमीटर राइड पे जाने वाले हैं। और 100 किलोमीटर राइड पे हम लोग किधर जाने वाले हैं कि एक अच्छी एक वाटरफॉल लोकेशन है, मतलब मानसून का पहला ब्लॉग आप समझ सकते हो कि पहला ब्लॉग ही है हमारा, ठीक है। हम उधर जाने वाले हैं और अपनी बी है, ठीक है। और जो है दो स्प्लेंडर आ रही है, और थोड़ा एंगल में भी आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि आपको मालूम है आपने वीडियो देखा रहेगा कि नहीं मालूम नहीं, हमने GoPro 7 परचेज कर लिया है, उसके वजह से थोड़ा सा हमने अपग्रेड किया अपने आपको, और अपग्रेड के वजह से जो है हमारा जो एंगल भी है आई होप कि अच्छा आ रहा हो। और हाईवे पर हम लोग जा रहे हैं, मानसून के टाइम तो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। थोड़ा कूलेंट मेरे गाड़ी में नहीं है, तो भी मुझे लगता है कि 100 किलोमीटर राइड जाके आ जाएंगे, ठीक है। एक ये रही स्प्लेंडर, और दूसरी एक और है स्प्लेंडर जिसको मॉडिफाई किया, जो हमने आपने पिछले राइड वाले वीडियो पे देखा रहेगा हमारे, ठीक है। तो हम लोग वही करने वाले हैं, मतलब उस पर ही हम लोग मतलब ब्लॉगिंग व्लॉगिंग सब कुछ होने वाला है। आज राइड में फुल इन्जॉय होने वाला है और प्रॉपर 100 किलोमीटर का राइड करने वाले, ये फर्स्ट टाइम होगा मेरे साथ कि मैं 100 किलोमीटर का एक राइड कर रहा हूँ। और ये भी एक स्प्लेंडर है जो कि मॉडिफाइड स्प्लेंडर विद एक्राबर्ग एग्जॉस्ट, तो इस पर भी जाने वाली है, और अपनी बी तो है ही। और ये बैग भी देख सकते हो कि बैग मैंने लिया, तो बैग में पूरा सामान वामान है, और मैंने एक जोड़ी कपड़े वपड़े और रिंकोट विंकोट सब ले लिया कि मतलब कुछ भी होगा तो प्रॉब्लम। और मैंने गलती से वाइट शर्ट पहन लिया, तो वो भी एक दिक्कत होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 70-80 का स्पीड रखने वाले, और 70-80 का स्पीड रख के हम लोग जाने। बहुत ही ख़तरनाक व्यू है भाई, पहाड़। बारिश का मौसम जो है ना भाई, बहुत प्यारा मौसम है, और रियली बता रहा हूँ बहुत दिन के बाद राइड पे आया हूँ मैं। सॉरी बोलता हूँ कि हैंड ग्लव्स मैंने नहीं लिए अभी तक, मैं लेने वाला हूँ वो भी, और जैकेट भी नहीं है मेरे पास, मतलब राइडिंग जैकेट भी एक चाहिए, और पैंट और शूज़ वो भी हम करेंगे धीरे धीरे, सब कुछ करेंगे। थोड़ा अपने पैसे पे कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, बट करेंगे धीरे धीरे, सब आएगा। अभी GoPro आया है, अभी और भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं, तो बस उसके लिए फॉलो करो, लाइक करो वीडियो को, सपोर्ट करो भाई, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो अपना MH 48 का पहला टोल नाका आ गया, मतलब पालघर का जो अपना टोल आता है पहला, वो टोल आ चुका है, और अभी इधर से हमको आराम से निकलना है, क्योंकि कैसा है कि पुलिस का थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वही करेंगे हम लोग, आराम से निकलेंगे। और डीबी एक्राबर्ग एग्जॉस्ट है, तो थोड़ा सा इसको भी हमको संभल के निकालना, और हम पीछे रहेंगे, ठीक है। ऐसे तो अपने गाड़ी में सब क्लियर ही है, इंश्योरेंस फ्यूज सब है अभी वैलिड, बस थोड़ा सा दिक्कत ये चीज़ का है कि बाकी थोड़ा सा फाइन, 2-3 फाइन मारा हुआ है, वो दिक्कत है ना, मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, तो भी देखते हैं। ऐसे तो मुझे लगता नहीं पुलिस रहेगा, बट तो भी कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वाले को हाथ दिखा दिए, अच्छा पकड़ा नहीं भाई इसको, नहीं तो फिर खत्म होता गेम, राइड इधर ही खत्म। ऐसे मेरे ऑफिस में मतलब 2 दिन का एक्चुअली छुट्टी है, मतलब छुट्टी मतलब ऐसा है कि हमारे ऑफिस में लोनावाला जाने का प्लान किया था, बट मैंने उसको कैंसिल करके, मतलब मैं उन लोग चले गए ऐसा बात नहीं, मैं उधर नहीं गया, रीज़न दूसरा देखिए, तो राइड करने आया हूँ। तो ये देख सकते हो कि ये जो राइड का क्रेज़ होता है ना गाइस, ये हर किसी में चाहिए रहता है, और बहुत कम लोग में रहता है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, अभी फाइनली हम लोग राइड पे आ चुके। ऐसा व्यू किसी को नहीं चाहिए बोलो, मतलब किसको चाहिए नहीं ऐसा बताओ, इतना प्यारा है ना, प्यारा। बारिश नहीं हो रहा सबसे बड़ी बात, बारिश नहीं हो रहा सबसे बड़ी बात। कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी आस कांधे रे ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी आस कांधे रे। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। गाना चाहिए था बस, गाना सुन सुन के जाना चाहिए, पर गाना भी लगा नहीं सकता मैं, क्योंकि गाना राइड कर रहे हो तो यार राइड पे ध्यान दो। हमने स्प्लेंडर भाई साहब एकदम मज़े में, और दूसरे स्प्लेंडर भाई साहब मज़े में, और अपनी बैंड बज रही है, अपने बम में फोड़े आ चुके हैं, बम में पूरा चला है, चालू गए इसका। भाई साहब देखा खड्डा खतरनाक, बाकी तो फाइनली हमने मनोहर पहुंच चुके गाइस, और मनोहर से अभी हमको कुछ 40 किलोमीटर के 30 किलोमीटर के आसपास कुछ हमको और कवर करना है, तो वो भी हम कवर करेंगे थोड़ा सा। अगर हो गया तो मनोहर पे थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया भाई, उसने डाल दिया, पर मेरे को थोड़ा हिम्मत नहीं हो रहा है, हिम्मत इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि इधर से ठीक है थोड़ा सा
चलेगा, लेट पहुँचेंगे तो जल्दी का ही नहीं। इधर भी रोड हर जगह ख़राब है भाई, बारिश में तो यार पूरा ये देखो बाहर ये क्या है, खतरनाक है। वैसे स्प्लेंडर में हाइट अच्छा दिया है, बहुत खतरनाक हाइट है। हम लोग जो है आ चुके हैं फाइनली जो लोकेशन में, मतलब अभी पहुँचे नहीं है, सॉरी दूर है, बट ये व्यू देखो यार, मतलब पूरा खतरनाक व्यू है भाई, चारों तरफ हरा हरा हरा। ड्रोन होता ना तो एक और मज़ा आता है, क्लियर शॉट आपको मैं दिखा सकता था, और पूरा गांव वाला फीलिंग आ रहा है भाई। तो और भी राइडर लोग आए भाई साहब, बहुत सही जगह। और बारिश चालू हो चुका है धीरे धीरे, थोड़ा बड़े बड़े बूंदे गिरना चालू हो चुके हैं। मेरे को कवर करना पड़ेगा बैग, कैमरा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना वाटर प्रूफ केस है तो भी उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और आगे रुक के चीज़ एक बार रेनकोट हम पहन लेते गाइस। और एक बार मैं आपको चाहिए तो गाड़ी का हालत दिखाता हूँ, बैग नहीं गिरना चाहिए भाई, पूरी गंदी हो चुकी है, पूछो मत भाई, बहुत गंदा हाल है। और स्प्लेंडर उधर है, और हम फटाफट रेनकोट पहनते हैं तो बारिश हो जाएगी। मैं आपको मिलता हूँ रेनकोट पहनने के बाद। हम लोग जो है अभी रेनकोट पहन के सब निकल चुके हैं, मतलब बारिश का भी कोई डर नहीं है, ठीक है अभी बारिश आने दो। और वाटरप्रूफ केस भी है तो कैमरे का भी दिक्कत नहीं, और आवाज़ आई होप कि आपको आवाज़ आ रहा हो क्लियर। तो बाकी बारिश चालू हो चुका है गाइस, भाई खतरनाक भाई ये मौसम में बारिश, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा हो, मैं ये कैमरा साफ करते रहूँगा जैसे। भाई बारिश तो हो रहा है, साथ साथ खड्डे भी है रोड पे, बहुत ही देख के, और नया रोड है हमारे लिए तो हमको बहुत दिख के चलाना पड़ रहा है। और यही इससे बात करते करते 53 किलोमीटर हमने चला लिया है टोटली घर से लेके अभी तक। हमने 220 का पेट्रोल डाला है, और पहले भी इसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल था, तो मुझे लगता है कि अभी और 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर चलाएंगे। आते समय तो मतलब जाते समय चले जाए, आते समय देखेंगे तो पेट्रोल डालना ही पड़ेगा मुझे लगता है। देखो हर एक साइड में मानता हूँ कि रोड सही नहीं है, बट यार जगह जो है ना भाई बहुत प्यारा है। मतलब आप रोड की वजह से अगर दिमाग ख़राब है आपका, दिमाग का हुआ है एल लग गए हैं, मतलब दिमाग ख़राब हो चुका है, बट अगर आप जगह को देखोगे चारों जगह भाई बहुत ही अच्छा मौसम है, और गाँव का जो भी बात है स्पेशली वो तो भाई बहुत ही प्यारा था। अपने टायर भी नए हैं दोनों, तो कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं होगी। गाइस मैं बोलूँगा अगर कोई विरार से देख रहा है MH 48, अगर अपने विरार से वसई से कोई भी देख रहा है भाई, तो भाई एक बार इधर आके आओ, विजिट करो, लोकेशन देखो कैसा लोकेशन है, रियली बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और बारिश में मेन चीज़ बारिश में मज़ा है, बस थोड़ा सा आओ तो आराम से गाड़ी चलाओ, कोई घाई नहीं है। देखो हम लोग भी आराम से आए और आराम से ही जाएंगे, कोई घाई नहीं करेंगे, चाहे वो रात को 9 बज जाए जाते जाते या 10 बज जाए। तो गाइस थोड़ा सा हम लोग व्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि बारिश का भी थोड़ा समय देख रहे हो, बारिश का थोड़ा माहौल अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी जगह पे हम लोग रुके हैं, ऐसे इसमें आवाज़ ज़्यादा झूम रहा होगा, और इधर नीचे खाड़ी है, ठीक है। और ये रहा अपना पूरा अच्छे से, और लोकेशन पे गए नहीं, जैसे 30 या 20 किलोमीटर दूर है और बाकी देख सकते। और ये छोटा सा एक वाटरफॉल था, द बाइक का फोटो वोटो शूट कर रहे, थोड़ा सा आपको रील या फिर इंस्टाग्राम पे दिखने को मिल जाएगा। और बाकी छोटा सा वाटरफॉल देखो, बारिश में मेरे को ये चीज़ दिखाना है इसलिए मैंने चालू किया, रुका हम लोग तीनों जन रुके भाई, सब जगह वाइट भाई, मज़ा आने वाला है भाई, जो मौसम है ना दिल खुश हो गया गाइस, सच्ची बता रहा हूँ। अभी चलते ठीक है, और आगे का रोड देखते हैं। मेरे को एक्चुअली ये दिखाने के लिए, स्पेशली आप लोग को दिखाने के लिए मैंने ये इधर रोका है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग को मैं दिखाऊँ ये चीज़। आप रोड देख सकते हो पूरा, मतलब वाइट हर जगह वाइट है भाई, जो लोकेशन पे हम लोग आए ना भाई, प्यारा लोकेशन है, प्यारा, मज़ा आ गया। अपने बी के साथ ये लोकेशन पे हम लोग आए, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा, पूछो मत, बहुत सही। तो गाइस अभी निकल चुके हैं, और ये व्यू चेकआउट कर सकते हो आप, बहुत ही प्यारा व्यू है। बैटरी वैटरी सब चेंज कर लिए, पूरा सही हो गया अच्छे से। और भाई बहुत प्यारा जगह, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, बट के साथ साथ देखोगे तो ये भी सब चीज़ें भाई साहब, क्या ये पूरा वाइट मतलब खत्म है भाई, खत्म है।
एपकॉट मनाली, दिस इज महाराष्ट्र भाई। खतरनाक भाई, महाराष्ट्र में जो अभी चल रहा है ना, खतरनाक। पालघर साइड में आओ, कभी भी नासिक साइड आओ भाई, फुल्ली इंजॉयमेंट है। और लोकेशन देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। अभी लोकेशन इससे भी, हम लोग जो वाटरफॉल में जाने वाले हो तो और इससे भी बढ़िया है। बट चलो, और पहले सबसे पहले हम इसमें रोड का इंजॉय करते हैं। और कुछ ज़्यादा किलोमीटर नहीं, 6-7 किलोमीटर बचा है और हमने करीब 100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, ठीक है, घर से निकले हुए। और अभी दिख नहीं रहा है, पर थोड़ा धीरे धीरे हम चलाएंगे, ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि कैसा है कि कुछ दिख नहीं रहा है मेरे गाड़ी में। मतलब कैसे, मैं लाइट चालू कर देता हूँ। हाँ, तो लाइट चालू करने में तो उससे क्या थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलता रहेगा। तो गाइस, अभी जगह पे हम लोग पहुँचे नहीं है, बट तो भी आप देख सकते हो कि ये लोकेशन भाई साहब पूरा, मतलब इस कचरे को इग्नोर करना गाइस प्लीज़, इसको इस चीज़ को देखो क्या लग रहा है। लोकेशन भाई खतरनाक, गए तो ख़त्म है। बी अपनी आ चुकी है, सब तो इन लोग आ चुके हैं, तो थोड़ा सा और आगे हैं वाटरफॉल। हम देखते हो, मैं आपको किलोमीटर बताता हूँ कितना किलोमीटर है। तो अभी जो है 7 किलोमीटर बता रहा है, दिख रहा है कि नहीं कहने, 7 किलोमीटर बता रहा है, 7 किलोमीटर और जाना है, चलते निकलते। अभी ब्रेक में दबाऊंगा नहीं भाई, खतरनाक सीन, मतलब कुछ भी बोलो खतरनाक है। पटरी ये बोल चीज पुलिस है। चालू है ना? बंद है। इधर ही वाटरफॉल था, बट पुलिस वाले लोग ने रोक लिया। अच्छा था कि लाइसेंस विसेंस नहीं पूछा, तो लग गया होता फाइन। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, पोस्ट हो गए कैसे कैसे करके। और ये अपना पप्पू पिल्लो। एंड गाइस देखो, इस जगह का लोकेशन भी दे दूंगा, एक बार देख लेना चालू है कि बंद है। सबसे बड़ी बात देखो, हम लोग आए तो अच्छा था कि हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने मिली, इन्जॉयमेंट बीच में मिला, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे और निकलेंगे, क्योंकि बहुत हो गया, क्योंकि अभी थोड़ा थक भी गए, तो घर पे भी निकलेंगे। ठीक है, और इन्जॉयमेंट भी बहुत किया आपने वीडियो में देखा रहेगा, शायद समझ जाता पार्ट 1 या पार्ट 2, दो वीडियो पार्ट में बनेगा। ठीक है, देखते कोशिश करूँगा कि एक में हो जाए, पर अगर एक में नहीं हो तो फिर दो हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया रहेगा, और ऐसे ही फॉलो करते रहो, ऐसे सपोर्ट दिखाओ और ऐसे ही प्यार करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।